हेलो बच्चों, मैं हूँ शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंड स्टडी 22। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल माइंड स्टडी 22 में। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, लोकतंत्र को समझने के लिए हमको इसकी विशेषताओं को यानी इसकी फीचर्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र को सही से समझने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, तभी जा करके हम लोकतंत्र क्या है ये बता पाएंगे। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र जो वर्ड है इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक वर्ड के डेमोक्रेसिया से हुआ है। देखिए, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन की बात करूं, उत्पत्ति की मैं बात करूं, तो ये डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया वर्ड जो है, डेमोक्रेसिया दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड आपका हो जाएगा डेमोस, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। डेमोक्रेसिया जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें एक आपका डेमोस है और एक आपका क्रेशिया है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को जानने के लिए आपको पहले इस वर्ड को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी डेमोक्रेसिया से बना है आपका डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या है, आपका लोकतंत्र है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन हुआ है वो डेमोक्रेसिया से हुआ है। डेमोक्रेसिया जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक आपका डेमोस हो जाएगा और एक आपका क्रेशिया हो जाएगा। डेमोस की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है द पीपल। डेमोस की अगर मैं बात करूं तो डेमोस का मतलब होता है द पीपल। और क्रेशिया की अगर मैं बात करूं तो क्रेशिया का जो मतलब रहता है वो क्या रहता है, वो रूल, यानी वो क्या रहता है, वो रूल रहता है यानी शासन रहता है, ठीक है। क्या रहता है, क्रेशिया का मतलब रहता है रूल यानी शासन, ठीक है। पीपल मतलब लोग, ठीक है, पीपल मतलब लोग और रूल मतलब शासन। तो कहने का मतलब यह है, देखिए यहाँ पे एक बात निकल कर आती है, जब हम डेमोक्रेसिया की बात करें, डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना, एक आपका जिसका अर्थ बन रहा है पीपल यानी लोग, एक आपका अर्थ बन रहा है रूल यानी शासन। तो यहाँ पे लोगों के शासन को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पे अब आपको एक समझने वाली बात है, देखिए लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ से जो अर्थ निकल रहा है, जो लोकतंत्र का जहां से ओरिजिन हुआ है, उस ओरिजिन के बेस पे जो लोकतंत्र का अर्थ निकल रहा है, जो मतलब निकल रहा है, वो निकल रहा है लोगों के शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है, चलिए अब एनसीईआरटी की सुन लेते हैं। एनसीईआरटी आपकी कहती है कि क्या हम किसी शब्द को, किसी शब्द के ओरिजिन के बेस पे, किसी शब्द की उत्पत्ति के बेस पे उसको परिभाषित कर दे, क्या हम किसी शब्द की उत्पत्ति के बेस पे उसको परिभाषित कर दे और उसको हम उसकी सही परिभाषा मान ले, ठीक है। तो एनसीईआरटी यहां पे कहती है कि समय और स्थिति के साथ साथ, समय और स्थान के साथ साथ शब्दों के भी अर्थ बदलते हैं, ठीक है। समय और स्थिति के साथ साथ शब्दों के भी अर्थ बदलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जो है, इसका मतलब कि जब हम बात करेंगे, जब डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, लोगों का शासन है, पर आने वाले समय में कुछ ऐसी कंडीशन आई, कुछ ऐसी स्थिति आई जिनकी वजह से हम लोगों के शासन को पूर्ण तरीके से लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन आई है और उन कंडीशन को जब हमने फेस किया, उन कंडीशन का जब हमने सामना किया, तब हमको पता चला कि लोकतंत्र में इन सब का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लोकतंत्र को सही से समझने के लिए आपको लोकतंत्र की विशेषताओं को जानना होगा, क्योंकि उन स्थितियों ने, उन कंडीशंस ने बताया है, जो लोकतंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का शासन नहीं है। लोगों का शासन होने के साथ साथ इसको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जब ये उन सावधानियों को बरतेगा, उन विशेषताओं को फुलफिल करेगा, उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तब जा करके रियल डेमोक्रेसी जो होगी, ठीक है, तब जा करके वो लोकतंत्र होगा। अब वो कंडीशंस क्या क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे आपको अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा हुआ है, और जो डेमोक्रेसी का जो अर्थ है, डेमोक्रेसी को जो परिभाषित किया है अब्राहम लिंकन ने, उसने कहा है कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहा है कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहा है। अब यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि अब्राहम लिंकन की जब हम बात करेंगे, अब्राहम लिंकन कौन है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 16वें राष्ट्रपति थे और पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। और वहां पे मैं बताऊं, अमेरिकन जो अब्राहम लिंकन जो थे, इन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया। अब एनसीईआरटी कहता है कि अब्राहम लिंकन महान व्यक्ति थे, ठीक है, एक पॉलिटिशियन थे,
क्या हम इस बेस पर लोकतंत्र को लोकतंत्र की परिभाषा इसको मान लें कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये इब्राहिम लिंकन ने कहा है। इब्राहिम लिंकन के कहने की वजह से, महान व्यक्ति होने की वजह से, पॉलिटिशियन होने की वजह से, राष्ट्रपति होने की वजह से हम मान लें कि ये लोकतंत्र है। एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन करती है। अब यहाँ पे देखिए, जब समय और स्थान के साथ साथ हर चीज बदलती है, शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं, उसी तरीके से जब इब्राहिम लिंकन, रिपब्लिक पार्टी है एक अमेरिका की पार्टी, इस पार्टी के से नेता थे, तो इन्होंने ये बात कही, ठीक है, मैं इसको गलत नहीं बता रहा, ये ठीक है और ये भी ठीक है कि लोगों का ही शासन रहता है, पर कुछ कंडीशंस रहती है, वो आगे चल के बताता हूँ। देखिए, जब हम बात करें और ये पहली कंडीशन हमारे सामने आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में क्या रहता है, 1999 की बात है, और इसमें क्या होता है, यहाँ का जो पाकिस्तानी सेना रहता है, पाकिस्तानी सेना होती है, पाकिस्तानी सेना का जो जनरल रहता है, वो जनरल कौन होता है, पाकिस्तानी सेना का जनरल रहता है परवेज मुशर्रफ। कौन रहता है? परवेज मुशर्रफ रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, परवेज मुशर्रफ क्या करता है कि जो पाकिस्तानी सेना है, क्या करता है, पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, यानी जनरल है, ठीक है। अब जनरल कौन होता है सेना में, देखिए ये पद रहता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो भारत में क्या है, भारत में जो सबसे बड़ा पद है इस टाइम में, इस वक्त में, भारत का जो सबसे बड़ा पद है सेना का, सेना का भारत में जो सबसे बड़ा पद है वो जनरल का ही है, ये सेना अध्यक्ष रहता है, ठीक है। इससे पहले एक और इससे बड़ा पद था जो कि सम्मान में दिया जाता था, फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता था, फिलहाल उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा पद है वो जनरल ही है। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी सेना का जो अध्यक्ष था वो परवेज मुशर्रफ था। इसने क्या किया, इसने 12 अक्टूबर 1999 को क्या करा, 12 अक्टूबर 1999 को सैनिक तख्ता पलट दी। क्या करी, सैनिक तख्ता पलट की। अब सैनिक तख्ता पलट की कब, 12 अक्टूबर 1999 को। सैनिक तख्ता पलट का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी हम सैनिक तख्ता पलट की बात करते हैं, तो जब किसी देश की सेना अपने देश की सरकार को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करती हो या गद्दी छुड़वा देती हो, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जो परवेज मुशर्रफ था उस टाइम जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, इस टाइम जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था वो नवाज शरीफ था। कौन था? नवाज शरीफ था, ठीक है। तो अब नवाज शरीफ की सरकार जो थी, इस नवाज शरीफ की सरकार को 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तानी सेना के जनरल और पाकिस्तानी सेना परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी सेना ने सैनिक तख्ता पलट कर करके जो यहाँ की जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री था, जो वहां का मंत्रिमंडल था, उसको उखाड़ फेंका और वहां पे क्या कर दिया, जो है परवेज मुशर्रफ जो था खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, ठीक है। क्या करा, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। अब जब खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया गया, तो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ये क्या कौन होता है। जब भी हम चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, मुख्य कार्यकारी की बात करते हैं, आप थोड़ी आगे चल के क्लास 11th में आप पढ़ेंगे कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यहाँ पे भी सेम, वहीं से जब आप मुख्य कार्यकारी की बात करेंगे तो वहां से निकल जाता है, कार्यपालिका होता है आपका। कार्यपालिका में क्या रहता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष रहता है उसको हम मुख्य कार्यकारी कह देते हैं, और ये जो अध्यक्ष रहता है ये कौन रहता है, राष्ट्रपति रहता है। कौन रहता है, ये राष्ट्रपति रहता है। तो अब जो परवेज मुशर्रफ था, इसने क्या करा, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करने के बाद राष्ट्रपति बन गया। फिर इसने 2002 में क्या करा, 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया, 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया, 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया। अब ये जनमत संग्रह क्या रहता है, देखिए अब ये जनमत संग्रह क्या रहता है, जब भी हम संविधान की बात करते हैं, तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, हमें नया संविधान बनाना पड़ता है, मतलब कई बार समय के साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो उस कंडीशंस में अगर हमको नया संविधान बनाना है, या संविधान में संशोधन करना है, या कोई कानून लाना है,
या फिर किसी कानून पर जनता की राय लेनी है, तो उस कंडीशन में संविधान में अधिकार होता है जनमत संग्रह कराने का, कि इस संग्रह के द्वारा, इस जनमत के द्वारा हम क्या करते हैं, हम जनता की राय लेते हैं और हम स्वीकार और अस्वीकार की पहचान करते हैं कि ये जनता को स्वीकार है या नहीं। तो जनता की स्वीकृति के लिए, जनता की स्वीकृति के लिए संविधान हमको एक अधिकार देता है, क्या कर देता है, जनमत संग्रह का। तो अब जनमत संग्रह किसने करवाया, परवेज मुशर्रफ ने करवाया 2002 में। ये जनमत संग्रह करवा करके परवेज मुशर्रफ ने अपना कार्यकाल, अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बढ़वा लिया। क्या बढ़वा लिया? 5 वर्ष और बढ़वा लिया, ठीक है। अब 5 साल और बढ़ गया, ठीक है। तो अब जब ये घटना हुई, जनमत संग्रह हुआ, 5 साल जब परवेज मुशर्रफ का कार्यकाल बढ़ गया, तो अब वहां पे पाकिस्तानी सेना आवाज उठाती है, पाकिस्तानी मीडिया आवाज उठाती है, क्योंकि भाई परवेज मुशर्रफ जो था, इसने इतना कुछ किया, ये खुद से थोड़ी ना कर गया था, सेना भी तो थी ना, क्योंकि सेना का जो जनरल था वो कौन था, वो परवेज मुशर्रफ था। तो पाकिस्तानी सेना और परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कर करके, जो परवेज मुशर्रफ था राष्ट्रपति बन गया और अपना कार्यकाल आगे बढ़वा करके, अब वहां की जो मीडिया जो थी वो कहती है कि ये जो जनमत संग्रह हुआ है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, और ये बहुत गलत हुआ है। और वहीं पे जो लोकतंत्र के लिए कार्य करने वाले थे, उन्होंने भी ये बात कही, ठीक है। वहीं पे जो मानवाधिकारों के लिए कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात कही। तो जब यहाँ पे बात पता चला कि ये जो जनमत संग्रह हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं और ये धोखाधड़ी हुई है, तो इस तरह की बात होने लगी मीडिया में, तो फिर ये जो है परवेज मुशर्रफ जो है इसको क्या कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी पाकिस्तान की स्टोरी, पूरी कहानी। अब देखिए यहाँ पे जनमत संग्रह के बाद, अभी भी देखिए कुछ पोर्शन बचा हुआ है, जनमत संग्रह के बाद क्या रहता है। अब जब इतना कुछ हो गया, तो जो परवेज मुशर्रफ है यानी राष्ट्रपति था उस टाइम पे, इन्होंने क्या क्या एक ऑर्डर दिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से जानते हैं, फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब इस ऑर्डर में क्या रहता है कि जो परवेज मुशर्रफ था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, ठीक है। इस ऑर्डर में क्या रहता है? इस ऑर्डर में जो राष्ट्रपति रहता है, उसके पास क्या रहता है? उसके पास अधिकार रहता है कि वो राष्ट्र की प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार रहता है? राष्ट्रपति के पास अधिकार रहता है कि वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रांतीय सभाओं को भंग कर सकता है, ठीक है। अब आपको देखिए भंग करने का अधिकार क्या देता है आपको, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रहता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो देश की स्थिति को देखते हुए, देश की कंडीशंस को देखते हुए क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है, जो देश की राष्ट्रीय सभाएं रहती हैं और जो प्रांतीय सभाएं रहती हैं उनको भंग कर सकता है। ऐसा ही किसने किया? परवेज मुशर्रफ ने किया। परवेज मुशर्रफ ने क्या करा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं को कर दिया भंग कर दिया। फिर से भंग करने के बाद में फिर से उन्होंने क्या करवाया, राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं के लिए क्या करवाया, चुनाव करवाया। क्या करवाया? चुनाव करवाया। क्या करवाया? जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद वहां पे जो है प्रतिनिधि चुने भी गए, ठीक है, क्या वो प्रतिनिधि चुने भी गए, प्रतिनिधि चुने गए, चुनने के बाद उनको कुछ अधिकार भी दिए गए, ठीक है, क्या दिए गए, कुछ अधिकार भी दिए गए। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस रहा था 1999 का पाकिस्तान का। और इसमें एक और साथ में मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक जो रहता है, हर कंट्री के अंदर रहता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। क्या रहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद रहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद रहता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद था इसके ज्यादातर जो सदस्य थे वो कौन थे? वो फौजी थे, वो सैनिक थे। कौन थे? वो सैनिक थे। तो इस तरह की कंडीशन में क्या हुआ
जो पाकिस्तान जो था वहां पे सैनिक तख्त पलट कर करके वहां की सरकार को उखाड़ के फेंका, और जो परवेज मुशर्रफ था उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और वहां पे अपना कार्यकाल बढ़वा लिया और चुनाव भी करवाए, प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी दिए गए, लेकिन जो अंतिम जो निर्णय था वो किन के पास था? वो सेना और परवेज मुशर्रफ के पास था। वो किसके पास था? सेना और परवेज मुशर्रफ के पास था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या जो इस तरह का जो प्रोसेस था, जो सैनिक तख्ता पलट जो ये हुई थी पाकिस्तान के अंदर, क्या हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या रहता है? लोकतंत्र का मतलब रहता है कि लोगों का शासन, ठीक है। क्या आप इसको लोगों का शासन कह सकते हैं? कि ये शासन जो है किसका है? परवेज मुशर्रफ का, उसकी सेना का था। क्यों था भाई? जो कुछ भी था, इन्होंने चुनाव भी करवाए, ठीक है, चुनाव भी हुए, प्रतिनिधि भी चुने गए, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ था उसके पास, और उसकी सेना पाकिस्तानी सेना के पास। अंतिम निर्णय कौन लेता था? अंतिम निर्णय तो परवेज मुशर्रफ और उसकी सेना लेती थी ना। तो जनता जो थी, जो जो प्रतिनिधि जो चुने जा रहे थे, चुनाव भी इन्होंने करवाए, ठीक है, जनता का मत भी इन्होंने लिया, ठीक है, उसके बाद भी जो है क्या हुआ? उसके बाद भी जो अंतिम जो निर्णय कौन लेता था? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति परवेज मुशर्रफ के पास थी, क्योंकि चुनाव में जो प्रतिनिधि चुने गए उनको कैसे, उनको जो अधिकार थे वो दिए गए नाम मात्र के थे, और जो अधिकार थे उनका जो अंतिम जो शक्ति थी वो किसके पास थी? वो सेना के पास थी, ना कि जो अधिकारी थे यानी जो उम्मीदवार थे, जो प्रतिनिधि थे, जो चुने गए थे, उनके पास नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोकतंत्र उस कंडीशंस को नहीं कह सकते हैं कि अगर हम चुनाव करवा रहे हैं तो लोकतंत्र है, ठीक है, अगर लोगों का शासन है तो लोकतंत्र है। इसमें ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि जो यहाँ पे आपके सामने जो बात निकल कर आती है वो ये है कि लोकतंत्र को लोगों का शासन होने के साथ साथ प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होने चाहिए। जो नेता को आप चुनोगे, जिस नेता का आप चयन करोगे, उस नेता के पास जो है प्रमुख फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? प्रमुख फैसले के लेने का अधिकार होना चाहिए। अब आप वोटिंग भी दो, आप मत दो, आपका मत जो है वो किस लेगा? आपकी जो राय है वो नेता के साथ है। आप जो आपने उस नेता को चुना होगा जो आपकी राय है। अब नेता जो चाहता है वो ही नहीं होता है, नेता बन गया है वो, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है, तो फिर क्या ही लोगों का शासन है वो? फिर क्या ही लोगों का शासन है? तो इसलिए लोकतंत्र लोगों का शासन होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी होता है कि जो जिस नेता को हम निर्वाचित करते हैं, जिस नेता को हम चुनते हैं, उस नेता के पास जो है अधिकार होने चाहिए और फैसले लेने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो है हमारे नेताओं के हाथ में होना चाहिए, ठीक है, जिस नेता को हम चुनते हैं। अब यहाँ पे एक बात निकल कर आती है, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने नेता को चुनते हैं। देखिए लोकतंत्र भी कई तरह का रहता है। लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, लोकतंत्र दो तरह का रहता है, ठीक है। एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता है, एक आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता है, ठीक है, और एक आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता है। एक आपका क्या रहता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता है। एक आपका क्या रहता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र रहता है, ठीक है, इनडायरेक्ट। अब आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोकतंत्र रहता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या रहता है? इसमें क्या रहता है? देखिए जो कंट्री ज्यादातर छोटी रहती है उनमें ज्यादातर जो पाता है वो कौन सा पाता है? आपका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाता है। इसमें क्या रहता है, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं और वही लोग आपस में क्या कर लेते हैं, एक तरीके से उनका मतलब इकट्ठे होकर के कोई भी क्या कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर गांव की बात करें तो गांव में क्या रहता है? पंचायत रहती है, ठीक है, क्या रहती है? पंचायत रहती है। इनका प्रमुख काम क्या रहता है? पंचायत का, गांव में कुछ भी हुआ, ठीक है, तो सारे गांव के लोग क्या रहता है, ग्राम मुखिया रहता है, उसके साथ में सारे लोग एकत्रित होते हैं और उस प्रॉब्लम को, उस समस्या का सोल्यूशन निकालते हैं आपसी बातचीत के द्वारा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी रहता है, इसमें क्या रहता है, जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है वो आपस में क्या कर लेते हैं, वो खुद इकट्ठा होकर के अपने लिए क्या कर लेते हैं, कानून बना लेते हैं, ठीक है। तो उनका प्रोसेस ये रहता है,
बाकी अब हम बात करें जैसे कि अब पंचायत में होता है, ठीक है समझ गए ना, पंचायत में गांव में कैसे रहता है, उसी तरीके से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया में कैसा लोकतंत्र है, इंडिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कैसे है वो देखिए। अब हम बात करें कि अगर भाई साहब इंडिया की अगर पूरी जनसंख्या एक साथ बैठ सकती है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इंडिया की पूरी जनसंख्या 130 करोड़ जनसंख्या बैठ सकती है एक साथ, नहीं बैठ सकती है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा है कि भैया जनसंख्या जो है अपना एक नेता बनाए, हर क्षेत्र से अपना एक नेता बनाए, वो नेता जो है आपका जो मत आपका होगा, जो मत आप अपने नेता को दोगे वो मतलब आपकी राय वो है। तो इस तरीके से जो है नेता का चयन करते हैं, नेता जो है फिर नेताओं की जो जो हमारे प्रतिनिधि रहते हैं उनके हाथ में जो है हमारा फैसला रहता है, और वो फिर क्या करते हैं फैसला लेते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस चलता है ये चलता है अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे द्वारा निर्वाचित रहते हैं, ठीक है, हम उनको मत दे करके चुनते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारी मत जो है हमारी राय रहती है, ठीक है, हमारी मत जो है वो क्या रहता है, हमारा राय रहता है। और इसी वजह से जो है जब भी कोई कानून बनता है वो कौन बनाते हैं, वो हमारे संसद में बैठे जो प्रतिनिधि रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कानून पास रहता है, मतलब वो हमारे द्वारा चुने गए हैं। तो इस तरीके से जो है अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी रहती है। अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी की दो तरीके रहती है, एक आपका अध्यक्षात्मक रहता है, एक संसदीय प्रणाली रहती है। हमारी वाली जो है ये संसदीय प्रणाली है, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति एंड प्रधानमंत्री दोनों रहते हैं, और जो अध्यक्षात्मक रहती है उसमें केवल राष्ट्रपति रहता है, ठीक है। तो ये बात का काम है, ये आपको आगे चल करके बताऊंगा, नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है पहली जो विशेषता है, ये विशेषता भी है, और इसी से हमें पता चलता है कि लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा होना चाहिए, यही जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ लोगों का शासन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो लोग जो अपने नेता को चुनते हैं उस नेता के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, उसके पास निर्णय लेने की शक्ति रहती है। अब नेताएं भी बहुत तरह के रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहते हैं, स्टेट लेवल पर रहते हैं, सेंट्रल लेवल पर रहते हैं, एमपी एमएलए वगैरह रहते हैं, सारी चीज़, ठीक है। तो उनका अपना अलग वो रहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। अब देखिए हमने बात की थी कि लोकतंत्र जो है, जो अब्राहम लिंकन ने बात की थी कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों की और चलने वाला शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो समय और स्थिति के साथ साथ अर्थ बदलता है, और एनसीईआरटी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि केवल हम इस बात पे स्वीकार नहीं कर ले कि इब्राहिम लिंकन एक अमेरिकन राष्ट्रपति है और उन्होंने जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता है, पॉलिटिशियन है, उन्होंने ऐसा कहा है तो ये सही है, ठीक है, ये समझ करके केवल हम इसको स्वीकार ना करें। सही अर्थ तक जाने के लिए, डेमोक्रेसी को सही से समझने के लिए आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, कुछ स्थितियों को जानना होगा। वो स्थिति क्या है, पहली स्थिति मैंने यानी पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब ये कंडीशन आई 1999 में, तब हमें पता चला कि लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ लोगों का शासन जरूरी नहीं है, लोगों के शासन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जिस नेता को हम चुनते हैं उसके पास होनी चाहिए। ये विशेषता ये साबित करती है कि लोकतंत्र में अगर ये नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगी, ठीक है। तो लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक सरकार में डिफरेंस करने के लिए आपको इन सारी चीजों की, इन विशेषताओं की जरूरत पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक खूबसूरत सा एग्जांपल देती है, और क्या एग्जांपल देती है कि जिस तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूं, एक होता है पेड़, एक होता है पौधा और एक होता है झाड़ी। जब हम इन तीनों में डिफरेंस करना चाहेंगे तो तब हमको सही से सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और अगर हमको ऐसा ही मानना है तो फिर आप पेड़ पौधे झाड़ी इन सबको एक ही मान के चलिए, ठीक है। अगर आप सही में सही अर्थ तक जानने की कोशिश करते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। यही बात क्या करा एनसीईआरटी बता रही है आपको डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, जिसमें जनता क्या करती है, शासकों का चुनाव करती है, और वो शासक जो होते हैं जिनको हम चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, वो स्वतंत्र रहने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो बात है आपको यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए हम आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा लोकतंत्र क्या है, एक कंडीशन आपको पता चल गई है, ठीक है। अब हम
आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात कर लिया है दूसरी जो विशेषता है, जो दूसरी जो कंडीशन है लोकतंत्र की, वो क्या है। देखिए लोकतंत्र हम चाइना को ले लेते हैं, यानी चीन को ले लेते हैं। चीन में क्या है, चीन में संसद है। चीन की जो संसद है उसको हम किस नाम से जानते हैं, चीन की संसद को हम राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन में जो चीन की संसद है उसको राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, पहली बात तो चीन जो है ये एक लोकतांत्रिक कंट्री नहीं है, ये साम्यवादी कंट्री है, इसमें एक पार्टी रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात आप ये समझ लीजिए कि चीन जो है ये लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है, ये इसमें डेमोक्रेसी है ही नहीं, ना तो इसमें इनडायरेक्ट है ना डायरेक्ट है, ठीक है, किसी भी तरीके की डेमोक्रेसी है नहीं। ये क्या सा है, कम्युनिस्ट है, ये साम्यवादी है। अब इसमें देखिए चीन में क्या है, चीन की जो संसद है इसका प्रोसेस क्या है, इस संसद का, इसमें भाई पूरे चीन से 3000 सदस्य, कम से लगभग 3000 के आसपास सदस्य होते हैं, और ये जो 3000 सदस्य होते हैं ये पूरे चीन से चुनकर के आते हैं, ठीक है। इस संसद में जो 3000 सदस्य आते हैं ये पूरे चीन से चुनकर के आते हैं, और इन 3000 सदस्यों की जो कंडीशन रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो 3000 सदस्य रहते हैं, पहले तो ज्यादातर जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा आते हैं, वो चुनाव के द्वारा आते हैं, उनका चुनाव होता है इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है, चुनाव होता है, जनता उसको चुनती है, और वो कहाँ है, वो क्या बनता है, प्रतिनिधि बनता है, प्रतिनिधि बनकर के वो संसद जाता है। उसी तरीके से जो है अब 3000 सदस्यों में से कुछ का हो गया चुनाव, और कुछ का करती है, कुछ का चयन करती है वहां की सेना। कुछ का चयन कौन करती है, वहां की जो सेना होती है, चीन की जो सेना है वो कुछ का चयन करती है, कुछ सदस्यों का चयन करती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, चुनाव भी वहां पर हो रहा है और सेना भी उनका चयन कर रही है, ठीक है, और पूरे चीन से वो प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, जनता ही चुनेगी। यहाँ पे चीन के अंदर एक पार्टी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका क्या काम है, देखिए ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है चीन में क्या करती है, जो ये चुनाव है, जो ये चुनाव लड़ेंगे जितने भी उम्मीदवार, क्योंकि 3000 सदस्य को संसद में जाना है और जाने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है, चुनाव जीतना जरूरी है, तो अब ये जो चुनाव लड़ेंगे, जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनाव लड़ने से पहले इस कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी उसको चुनाव लड़ने की अनुमति दे देगी तभी जाके वो चुनाव लड़ सकता है, तभी जाके वो चुनाव लड़ सकता है। अब ये मान लीजिए ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है अब ये किसी को अनुमति नहीं दे रही है, तो चुनाव लड़ेगा नहीं, चुनाव लड़ेगा नहीं तो वो जीतेगा नहीं तो संसद में जाएगा नहीं, तो प्रतिनिधि कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। तो इसी तरीके से जो ये चीन है, जो इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये इसके पास जो ये अधिकार है ना कि जो जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव लड़ने से पहले हमसे क्या करेगा, अधिकार लेगा, मतलब हमसे अनुमति लेगा। तो अनुमति उन उम्मीदवार को देती है जो कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे रिलेटेड जो है संबंधित जितने भी वो होते हैं उम्मीदवार होते हैं, ज्यादातर ये उनको क्या करती है, अनुमति देती है। तो इस तरीके से उसमें जो शासन है वो किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी का है। कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चाहेगी उसको सांसद भेजेगी, जिसको नहीं चाहेगी नहीं भेजेगी, क्योंकि भाई अनुमति तो इसके पास है ना। इसी तरीके से चीन का जो है ये साम्यवादी है और यहाँ पे जो है लोकतंत्र नहीं है, और इस तरह से इससे हमें पता चलता है कि लोकतांत्रिक होने के लिए, लोकतांत्रिक सरकारों का होने के लिए सबसे पहली बात है कि हमको क्या होना चाहिए, जो राष्ट्र यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जनसंसद चीन की जो बात आ रही है, क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ से देखिए स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे कि अब यह है इनको अनुमति लेना पड़ रहा है, तो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए, है निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी भी का कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, तो निष्पक्ष होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जब लोकतांत्रिक सरकार तभी हो पाएगी जब जो है जनता भी और जो जनता के रहने वाले जो उम्मीदवार हैं जिनको हम चुनते हैं सब क्या होगी, स्वतंत्र होंगे और क्या होगा, निष्पक्ष रहेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र होना और निष्पक्ष होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चाइना के अंदर ये नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की है सरकार है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है
और इसमें क्या है कि ये जिसको चाहती है उसी को संसद में भेजती है। इस तरीके से जो है आपका है भाई ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है एक तरीके से, क्योंकि ये किसी को अनुमति देगी ही नहीं, ये जिसको चाहेगी उसको अनुमति देगी। तो इस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार का होना ये भी जरूरी है, लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्षता का सिद्धांत जो है होना चाहिए उसके अंदर। अब देखिए, अब लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है ना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, क्या बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, और बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने की वजह से हर सरकार खुद को लोकतांत्रिक बताती है और लोकतांत्रिक बताने का दावा करती है, ठीक है। तो इस वजह से हमको लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है, लोकतंत्र का सही मतलब क्या है, वो समझ लेना चाहिए। और हमने आपको दो स्थिति बता दी है कि चाइना में ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हम इसको लोकतंत्र भी, लोकतांत्रिक तो ये है ही नहीं और इसको कह भी नहीं सकते हैं, पर हमें यहाँ से ये सीख मिल रही है कि लोकतांत्रिक होने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके की कहानी एक मेक्सिको की है। मेक्सिको में क्या थी, एक पार्टी थी, ठीक है, PRI। ये पार्टी क्या करती थी भाई, ये पार्टी जो थी कि जो मेक्सिको जो थी, मेक्सिको में इसने क्या कर रखा था, जो सरकारी अधिकारी थे, जितने भी सरकारी अधिकारी थे, उन सरकारी अधिकारियों को इस पार्टी की प्रत्येक बैठक में बैठना जरूरी था। इस पार्टी की जितनी भी बैठक होती थी उन बैठक में बैठना प्रत्येक सरकारी अधिकारी को जरूरी होता था, और जो सरकारी अधिकारी होते थे वो जो है क्या करते थे, इस पार्टी का प्रचार करते थे, ठीक है। तो इस तरीके का जो रूल है, इस तरीके का जो शासन है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको लोकतंत्र के लिए ये चीज भी जरूरी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी जाकर के हम लोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको ये दो जो स्थिति है वो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, ठीक है। लोगों के शासन के साथ साथ लोगों का स्वतंत्र होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है, ठीक है। और लोगों का क्या होना जरूरी है, लोगों का निष्पक्ष स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी जाकर के क्या होगा, लोकतंत्र होगा। दूसरी बात, जो हम फैसले लेते हैं, प्रमुख फैसले लेने की जो शक्ति है वो हमारे नेताओं के पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरी जो स्थिति है, देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है, ये आप जैसे कर दीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पर जो बात आती है वो राजनीतिक समानता की बात आती है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, राजनीतिक समानता बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूँ आपको सऊदी अरेबिया की, बात करूँ सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले क्या था, वहाँ पे जो है वुमन जो है, औरतें जो है वो मत नहीं दे सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो मत नहीं दे सकती है, उनको मत का अधिकार नहीं था, ठीक है, उनको मत का अधिकार नहीं था 2015 तक जो सऊदी अरेबिया की जो औरत थी, ठीक है, उनको क्या नहीं था, उनको मत देने का अधिकार नहीं था। अब 2015 में उनको ये अधिकार मिल गया, मतलब उससे पहले नहीं था। तो मतलब ये क्या है, ये असमानता की भावना है कि नहीं, मतलब जो मैन जो है वो क्या कर सकता है, मत दे सकता है, पर वुमेन नहीं दे सकती है। 2015 से पहले सऊदी अरेबिया का रूल था। तो मतलब यहाँ पे लिंग के आधार पर क्या हो रहा है, लिंग के आधार पर असमानता नजर आ रही है, और जहां पे असमानता होगी वहां पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन पाएगी, वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। तो लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र में समानता बहुत जरूरी है। राजनीतिक समानता की बात करें, ठीक है, राजनीतिक समानता बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से फिजी की बात करें, ठीक है, फिजी में क्या था भाई, वहां पे देखिए, एक तो फिजी मूल के जो फिजी नागरिक थे, ठीक है, फिजी मूल के जो फिजी नागरिक थे ना, उनकी जो वोट थी, उनका जो मत था, उनकी जो वैल्यू थी, उनका जो मोल था वो ज्यादा था, ठीक है, वो क्या था, वो ज्यादा था। और वहीं पे जो उसी फिजी के अंदर जो भारतीय मूल के फिजी नागरिक रहते थे, भारतीय मूल के थे, पर उनके पास जो नागरिकता थी वो किसकी थी, वो फिजी की थी, ठीक है। तो नागरिकता फिजी की है और वो भारतीय मूल के हैं, इसी बेस पर उनके साथ क्या किया जा रहा है, असमानता की जा रही है, और इसी वजह से भारतीय मूल होने की वजह से उनको क्या कर दिया है, उनका जो मत है उनकी वैल्यू कम कर दी है, उनकी वैल्यू कम कर दी है, उनका मोल जो है कम कर दिया है, ठीक है। तो जो मत रहता है इसकी कीमत सबके लिए बराबर होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है जब होगी तो क्या होगा, लोकतंत्र होगा। अब मान लीजिए हम लोगों के शासन की बात करते हैं, लोगों का शासन होगा, पर क्या है, उसमें समानता नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, वो निष्पक्ष नहीं है, तो क्या वो लोकतंत्र है, नहीं है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, ठीक है, लोगों का शासन मतलब लोगों का किसी भी तरह का कोई बंधन ना हो, किसी भी तरह का कोई उसमें जो है
तानाशाही वाली जो है भावना का ना, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये सारी जो है इनसे पता चलता है कि एक व्यक्ति एक वोट जो है यहाँ पर ये राजनीतिक समानता आती है और लोकतांत्रिक होने के लिए राजनीतिक समानता होना बहुत जरूरी है। एस्टोनिया है, एस्टोनिया में क्या है, वहां के जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग थे उनको मताधिकार का अधिकार लेने में समस्या आती थी, ठीक है भाई। मत जो है, अब एस्टोनिया में क्या था, मत जो है, मत का अधिकार पाने में, मत का अधिकार पाने के लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो मान लो कोई सरकार ऐसी है कि वो क्या करती है, वो मत का जो नियम है उसी में बदलाव कर करके कुछ ऐसे नियम बना दे जिसको कुछ लोग ले पा रहे हैं, कुछ को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि जो है लोकतांत्रिक सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता का होना बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके कोई उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं कानून का राज और अधिकारों का आधार। देखिए लोकतंत्र के लिए जो अधिकार संविधान में दिए हुए होते हैं उन अधिकारों का हमें पालन करना चाहिए, ठीक है, और उनका आदर होना चाहिए। और कानून जो है, जो कानून जो हम बनाते हैं वो जनता के द्वारा बनता है, क्योंकि हम प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने चुन करके भेजते हैं, चुनने के बाद वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो जनता के भलाई के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कानून बनाते हैं। पर वे कानून जनता के लिए होने चाहिए, ठीक है, उन कानूनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक मतलब पक्षपात ना हो, ठीक है, इस तरह की बातें रहती है ना। तो मतलब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो कानून जनता की भलाई के लिए होना चाहिए और जनता इस बात को खुद डिसाइड कर लेती है कि ये कानून ठीक है या नहीं। तो इस वजह से जो है जो कानून रहता है उनका हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबको क्या करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। तभी जा करके क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए सरकार बनी हुई है पर वो कानूनों का पालन ही नहीं कर रही है, ठीक है, जनता कानून का पालन कर रही है, सरकार कर ही नहीं रही है, वो अपने मन की कर रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है सरकार क्या नहीं कर सकती है, जो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक क्यों नहीं रहेगा भाई, जो कानून संविधान में लिखे हुए हैं जब आप लोग उनको ही नहीं मान रहे हो तो क्या है कानून, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए कानूनों का होना बहुत जरूरी है, अधिकारों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अधिकारों का आदर करना चाहिए। इसकी एक कंडीशन सामने आती है, देखिए जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं, जिम्बाब्वे में क्या था कि जिम्बाब्वे 1980 में आजाद होते हैं, और जब जिम्बाब्वे 1980 में आजाद हुआ वहां की एक पार्टी थी वो क्या करती थी, उसने जो राष्ट्रपति था ना, राष्ट्रपति के अधिकार को संविधान ही बदल डाला उसने। जिम्बाब्वे में 1980 में जो पार्टी आई उसने क्या करा, संविधान बदल डाला, और संविधान में क्या कर दिया, राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी, उनको वृद्धि कर दिया, राष्ट्रपति के अधिकार तो बढ़ा दिए, और जो राष्ट्रपति की जो जवाबदेही थी उसको जो जवाब देना होता था वो जवाबदेही कम कर दी, ठीक है, और राष्ट्रपति को अधिकार दे दिए ज्यादा, जवाबदेही कर दी कम, और राष्ट्रपति की आलोचना के प्रति जो है क्या कर दिया, लगा दी एक तरीके से, जो राष्ट्रपति की आलोचना करेगा उसको कर दिया सीमित, बंद कर दिया, ठीक है, कि मतलब आलोचना करना गैरकानूनी है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने संविधान में बना दिया। उसने फिर तीसरी बात करी, जो जिम्बाब्वे की जो टीवी थी, टेलीविजन था, जो पत्रकार वगैरह थे इन सबको अपने नियंत्रण में कर लिया, रेडियो वगैरह को अपने नियंत्रण में रखा, अखबार जो थे वो स्वतंत्र थे, पर उनकी एक कंडीशन थी, जो मतलब सरकार के खिलाफ, जो जिम्बाब्वे की सरकार के खिलाफ अगर आलोचना कर रहा है, आलोचनात्मक विचार लिख रहा है, तो उस पत्रकार को क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था। ऐसी कंडीशंस वहां पे जब